हेलो एंड वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल मेडिसिन कंसल्टेंसी। फ्रेंड्स, मौसम चेंज हो रहा है और बहुत लोगों को खांसी जुकाम हो रहा है, तो कुछ नेचुरल चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आपको क्या करना है। एक तो रात को स्टीम लेके सोना है और एक ठंडा बिल्कुल भी नहीं पीना। और तीसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आपको गर्म पानी से गरारे करने हैं। अगर आपको गले में पेन होता है या इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको, तो आपको इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना है। और दूसरा, मैं कुछ मेडिसिन दिखा रहा हूँ आपको, जनरल मेडिसिन जो कि आप डॉक्टर की सलाह से ले सकते हैं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूँ अभी, जो मैं दिखा रहा हूँ आपको मेडिसिन, मेरे चैनल के साथ बने रहे हैं। ये जो पहला प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं, ये है बीटाडीन गार्गल्स। इससे आपको गरारे करने हैं। इसके अंदर पोविडोन आयोडीन होता है, जर्मिसाइड होता है ये। इसको डालना है आपने 10 ml 1 cup ऑफ वार्म वाटर के अंदर डाल के इससे आपको गरारे करने हैं। तो इससे क्या होगा, आपको गले के अंदर सूथनेस महसूस होगी और गले का जो भी इन्फेक्शन और बैक्टीरिया है वो तुरंत मर जाएगा इससे गरारे करने से। तो इसको आप 10 ml का निशान लेके 1 cup वार्म वाटर में डालें और इससे दिन में 2 से 3 बार गरारे करें। बीटाडीन गार्गल्स हैं ये, ठीक है दोस्तों। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट्स 500 mg, इसके पैक में 3 टैबलेट होती हैं। तो जो भी एडल्ट हैं जिनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा है, वो क्या करें, ये जो 3 टैबलेट्स आप देख रहे हैं, 1 टैबलेट आज लें, 1 टैबलेट कल लें, 1 टैबलेट परसों लें। अपनी डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले लें इसको लेने से पहले, कहीं इस दवाई से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होते। और इसके साइड इफ़ेक्ट मैं बता देता हूँ, इससे थोड़ी सी गैस बनती है और पेट में ब्लॉटिंग सी महसूस होती है कुछ लोगों को। तो ये तो मैं नॉलेज पर्पज़ के लिए दिखा रहा हूँ आपको कि आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg की टैबलेट ले लें, 1 टैबलेट आज, 1 कल, 1 परसों खाने के बाद। और उसके बाद जो नेक्स्ट टैबलेट आती है मेरे पास, आती है वो है डोलो 650। तो जो भी एडल्ट हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, जिनकी एज 20 ईयर से ज़्यादा, वो 1 टैबलेट दिन में 3 बार लें। पैरासीटामोल है दोस्तों, इसका मिनिमम साइड इफ़ेक्ट होता है। अगर किसी को बॉडी पेन भी है या गले में दर्द है या फिर ज़्यादा खांसी आ रही है उसकी वजह से शरीर दर्द हो रहा है या फिर पसलियों में दर्द हो रहा है, तो 1-1 टैबलेट दिन में 3 बार खाने के बाद पानी से लेनी है। तो इससे आपकी सारी की सारी ये प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी, पेन वाली और बुखार वाली। अगर किसी को फीवर आ रहा है तो वो भी इसमें भी काम करती है ये। द लास्ट 1 टैबलेट फॉर थ्रोट एंड इन्फेक्शन और जुकाम के लिए, ये है मोंटी लुकास विद लियोसिट्राजिन का कॉम्बिनेशन। ये 1 टैबलेट रात को लेनी है दोस्तों, और इसका सिडेटिव इफेक्ट है, तो आपको इसको इससे नींद आएगी थोड़ी सी। तो जिनको ज़्यादा ही जुकाम है वो सुबह शाम लें, जिनको नॉर्मल सा ही गले में पेन है और खराश सी लग रही है या गले में पेन हो रहा है या दर्द हो रहा है या इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार खांसी आ रही है, वो 1 टैबलेट रात को लें। और इसके बाद मैं आपको सीरप दिखाऊँगा। और ये दोस्तों सांस में भी काम करती है, जिसको खास खास के सांस चढ़ रही है उसमें भी ये बढ़िया इफ़ेक्ट करती है। और जो लास्ट वन जो मेरा सिरप के ऊपर आ रहा हूँ मैं, सिरप सबसे बेस्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ब्रोजिडेक सिरप, ये वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है। और ब्रोजिडेक्स और भी ब्रांड्स हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले मैं बलगम वाली खांसी के बारे में बात कर रहा हूँ, तो टर्बुटालाइन, ब्रोमैक्सिन और गुआफेंसिन विद मैंथोल के साथ कॉम्बिनेशन है इस वाले सिरप का। तो ये आपको 1-1 ढक्कन जैसे इसके ऊपर लगा हुआ है, दिन में 3 बार लें एडल्ट। और बच्चों को खांसी हो तो आप उनको 3 ml, 3.5 ml, 3.5 ml, 4 ml के करीब दे सकते हो। तो बलगम वाली खांसी को ये रोकता है और जो चेस्ट की कंजेशन है उसको भी ये ख़त्म करता है। तो आपको ये लेना है, और कोशिश करें कि आप इन सिरपों के साथ पानी का कम प्रयोग करें, ताकि ये गले के अंदर रहे और छाती के अंदर रहे तो इफ़ेक्ट करता है ये। तो ये हमारे गले के अंदर इफ़ेक्ट करता है, तो मेंथोल की वजह से गले को बहुत सूथनेस महसूस होती है। तो चलो मैं आपको ड्राई कफ का सिरप दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स, ड्राई कफ के लिए आपको ये वाला सिरप लेना है, डेक्सोमेथामॉर्फिन विद क्लोरफिनरमिन मेलिएट। तो ये जो सूखी खांसी होती है, जो धसका होता है हमारा, उसमें इफ़ेक्ट करता है। तो ये भी आपको जो ये ढक्कन लग रहा है, ये वाले 1.5 ढक्कन, ये क्योंकि 5 ml का ढक्कन है जैसे आप देख पा रहे हो। फ्रेंड्स, ये वाला सिरप भी आपको 7.5 ml दिन में 3 बार लेना है।
और ये हमारे सूखे धसके को ख़त्म करता है और थोड़ा बहुत ये कोल्ड में भी काम करता है। बाकी ये इसका भी सिडेटिव इफेक्ट है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके लें ये वाला सिरप भी। और एक नेबुलाइज़र दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स, अगर किसी को चेस्ट में ज़्यादा कंजेशन हो रही है तो ये जो दो मैं आपको नेबुलाइज़र दिखा रहा हूँ ये सबसे बेस्ट हैं। एक का नाम है बुडिकोड और इसके अंदर होता है बुडिसोनाइड। ये नेबुलाइज़र के अंदर डालना पड़ेगा आपको, और इसको नेबुलाइज़र के अंदर डाल के एक इसमें से और एक डुओलिन में से, वो दोनों ही सिप्ला कंपनी के हैं, तो दोनों को आपने एक एक डालना है और चेस्ट की कंजेशन और कफ में रिलीफ मिलेगा। और जो सांस के मरीज हैं उनको भी इससे बहुत फ़ायदा होता है। सांस के मरीजों को दोस्तों खांसी जुकाम हो जाता है तो उनको बहुत ज़्यादा मुसीबत सी पड़ जाती है, उनको सांस भी नहीं आता। तो ये आप ज़रूर थेरेपी बुडिकोट और डुओलिन की लें, इससे उनको बहुत ही जल्दी रिलीफ मिलेगा। और फ्रेंड्स, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो लोगों तक। थैंक यू।